ओम शांति गुड मॉर्निंग आज 20 जून 2023 की साकार मुरली है प्रातः मुरली है ओम शांति पाप दादा मधुबन मुरली का सार है बाबा बोले मीठे बच्चे देह सहित जो कुछ तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटा दो ट्रष्टि होकर रहो इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है एक दुनिया में होता है शरीर छोड़ के मरना लेकिन यहाँ हम बाबा का बनते हैं तो हम जीते जी मरते हैं हमारा ये मर्जी जन्म है लेकिन आज बाबा ने बहुत गुहे से परिभाषा दी है जीते जी मरना किसको कहा जाता है बाबा ने बहुत सूक्ष्म में उसकी परिभाषा बताई है बाबा ने कहा जीते जी मरना माना पवित्र रहना बाबा का बनकर के रहना आ, ट्रस्टी होकर के रहना आज बाबा ने कहा दे सहित तुम्हारा जो कुछ भी है देह देह के वस्तु वैभव पदार्थ परिवार बाबा कहते हैं संबंध जो भी है उसको सब बाबा के हवाले कर दो हम संपूर्ण समर्पित बन जाते हैं तन मन धन से हम बाबा को सब समर्पित कर देते हैं फिर बाबा हमको कहते हैं कि आप ट्रस्टी होकर के संभालो हो। लेकिन आज ट्रस्टी होकर के संभालने के लिए भी बाबा ने बहुत महीन आ, हमें श्रीमती है ट्रस्टी होकर संभालना पे चलना बाबा को दे दिया है तो जो भी हमें यूज़ करना है बाबा, के पर ही, बाबा, की के, बाबा को बता के ही करना है उसको ट्रस्टी होकर रहना बाबा ने बता दिया तो इतनी सूक्ष्म आज बाबा ने मुरली चलाई है तो हम सुनते हैं आज की मुरली आज की मुरली से प्रश्न है कि संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है तो बाबा ने आज हमें श्रेष्ठ टाइटल दिए है कौनसे टाइटल दिए है उत्तर में बताया है कि तुम संगम योगी ब्राह्मण हो राज ऋषि राजयोगी तो हमें दो टाइटल मिला है पहला है राज ऋषि हम राजा भी है तो ऋषि भी है राजा मना मैं आत्मा राजा मेरी कर्मेंद्रियो मन बुद्धि संस्कार कि भी मालिक अधिकारी अधिपति और मैं रूसी भी माना तपस्या भी तपस्वी भी माना हमें महात्यागी हाँ हमारा त्याग है बेहद का त्याग है बेहद का वैराग है हमें कोई भी बात में लगाव नहीं है और हम राजयोगी भी है हम जो राजाओं का राजा जो बेस्ट योग कहा जाता है वो राजयोग स्वयं भगवान आके हमें सिखाती है हम परमात्मा से वो नंबर वन राज्यों सीखकर भविष्य में हम विश्व महाराजन बनते हैं और अभी हमें पर बाबा स्वराज्य बनाते हैं तो हम योगी भी हैं हम योगेश्वर से योग लगाते हैं हमारा बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जोड़ के हम अपने को पति से पावन भी बनाते हैं श्रेष्ठ आत्मा भी बनाते हैं मनुष्य से देवता भी बनाते हैं तो इतने अच्छे समान देकर करके बाबा हमें पुरुषार्थ करा के हमें बाबा हम इस संगम युग में हमें जन्म की प्राप्ति कराते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो तुम्हें बड़े ते बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है दक्षिणा क्या है स्वर की बादशाही बेस्ट प्राइज है बाबा बड़े ते बड़ा सेठ है उसने आके बड़े ते बड़ा यज्ञ रचा है ये क्या है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ है बाबा कहते हैं कि इसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ने वाली है और यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए तो बाबा ने पहले हमें ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण बनाया है शुद्र से ब्राह्मण बनाया है ये हमारा मर्जीवा नया जन्म है तो हमें यज्ञ की रक्षा कैसे करनी है उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी आज शिक्षा दी है और बाबा कहते हैं कि आप अभी यज्ञ की रक्षा करते हो तो सेठ द्वारा आपको बहुत बड़ी प्राइज मिलती है और वो प्राइज है स्वर्ग की बादशाही नई दुनिया की ही। कैसे मिलनी है हमें उसके लिए कैसे यज्ञ की रक्षा करनी है तो सुनते हैं बाबा से डिटेल में बाबा की शिक्षा है उस दिन गीत बजा था मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में ओम शांति बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा भी बेहद का है तो हम बच्चे भी बेहत के हैं, बाबा की शिक्षा की भी बेहद की है बाबा बच्चों को कहते हैं आज जीते जी कैसे मरना बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है काशी में बलि चढ़ते हैं वो तो शरीर को खत्म कर देते हैं भक्ति मार्ग में जो बलि चढ़ते थे वो तो शरीर को शरीर का घात करते थे जीव घात करते थे काशी में कलवट खाते थे वो कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते हैं यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है जीते जी बनने की पहली परिभाषा बाबा ने दी है कि जीते जी बनना माना बाप का सॉरी जीते जी मरना माना बाप का बनना ज्ञान सुनने लिए जीते जी दे सही सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना तो दूसरा जीते जी मरना माना दे सही दे के जो भी संबंध है उससे हम हमें तोड़ना है सब बाबा से जुड़ना है तो देह के बंधन भी हमारे सब ऑटोमेटिक टूट जाएंगे फिर तीसरा अपने को आत्मा समझना है बाप सभी आत्माओं से बात करते हैं बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो बस हम तो बाबा के बन गए तुम जीते जी कह रहे हो कि हम शिव बाबा के हैं हम अभी वान प्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं ना बाबा प्रैक्टिकली हमें वाणी से परे जाने का अभ्यास करा रहे हैं वाणी से परे कब जाएंगे जब हम देह बहन से परे होंगे तभी हम वाणी से परे जाएंगे ना कल भी बाबा ने कहा ना मुख में मुलहरा डाल दो माना अपने स्वधर्म में टिक जाओ तो वाणी वाणी से पर हम ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो वो वान घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं दुनिया में फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है देखो ये भगवान के वाक्य है कि मृत्यु लोक में जन्म हमको नहीं मिलना है मीन्स ये हमें वरदान मिल गया है दुनिया वाले तो बाबा कहते के हैं हरिद्वार में जाके बैठते हैं फिर भी लोक में जन्म लेकर के, ले के आते हैं और हमको तो, तो देखो गारंटी है लोक कलियुगी दुनिया मुर्दाबाद अमर लोक सत्युगी दुनिया जिंदाबाद कुत्ती है इसलिए बाप कहते हैं कि रहो बल गृहस्थ व्यवहार में सिर्फ देह सही जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं सब कुछ शिव बाबा का ही है फिर कहते हैं अच्छा होकर के संभालो समझो की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं तो हमें समझना है कॉन्शियसनेस हमारी बदल दे रही है कि हमने बुद्धि से सब कुछ बाबा को दे दिया है तो हमें जो भी शरीर निर्वाह के लिए चाहिए उस शिव बाबा की भंडारी से हमें मिल रहा है हमें बाबा की आज्ञा के अनुसार ही बाबा को पूछ के उसका हमें यूज करना है बाबा कहते हैं ज्ञान काल में भी कहते हैं ना सब कुछ परमात्मा का ही है परमात्मा का ही दिया हुआ है भक्ति में भी कह दिया है ना तेरा है तेरा तुझको अर्पण फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे अब बाप कहते हैं पुरानी चीज की याद भूल जाओ एक बाप को याद करो बाबा कहते आप देह सहित सहित परिवार समर्पित हो गए तो आपका बच्चा कहाँ से आया यदि बच्चे ने शरीर भी छोड़ दिया तो बाबा कहते भूल जाओ जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं घर गृहस्थ में रहते समझो कि ये सब कुछ शिव बाबा का है हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं हम श्रीमत पर चलते हैं कहेंगे बाबा हम मोटर ले पहले बाबा को पूछते थे बाबा हम मोटर ले बाबा कहते हाँ बच्चे भर लो हाँ तुम्हारे पास पैसा है तो भर लो जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है तो वो राय पूछते है देखो बाबा ने कहा कि बाबा से राय लिए बिना हमें कुछ भी यूज नहीं करना है जिते जी मरना इसको ही कहा जाता है भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं था यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं, इतना सहज रीति इक्कीस जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था ये कोई जानते नहीं कहते भी है क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले भारत स्वर्ग था अब वो स्वर्ग किसने स्थापन किया देवी देवता स्वर्ग में कहा से आए गाते भी है मनुष्य से देवता किए करत्न रघिवार वो कब आए तो जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं इतने ढेर पढ़ने आते हैं इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं बाबा लास्ट से कहते आए हैं। कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है तुम आत्माए गॉड फादरली स्टूडेंट हो यहाँ आत्मा परमात्मा सुप्रीम टीचर से रूहानी ज्ञान पढ़ती है बाबा कहते हैं यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं ये पढ़ाई है ये दूसरे सत्संग मुआफिक नहीं है हाँ दूसरे सत्संग को सत्संग भी नहीं कर सकते बाबा कहते हैं ना क्योंकि वहां सत्य का संग नहीं है और यहाँ तो रियलिटी में सत्य बाप के संग में हम उनसे सत्य ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहते हैं वो सत्संग और ये सत्संग में बहुत का फर्क है सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं बाबा ने समझाया है में भी बराबर दो बाप रहते हैं एक जिसम का लौकिक बाप और दूसरा आत्माओं का पारलिक पारलौकिक बाप अब आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती है वो गॉड फादर भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाय जन्म वर्षा लेते आए हो ऐसे तो नहीं सत्युग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबा ने आज बहुत आगे जाके इसको क्लियर किया है बाबा कहते नहीं सत्युग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो इस समय की यहाँ की कमाई है यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेती हो बाबा कहते वहां तो कमाने की कोई जरूरत नहीं है इतना हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है यहाँ जो पुरुषार्थ करते है उसके बाबा कहते हैं कि स्थूल में वहां हमें सब कुछ बाबा देते हैं इक्कीस जन्म के लिए अढ़ाई हजार साल के लिए तो सत्यु में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो तो बाबा ने आज बहुत रहस्य की बात बताई बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो बाप ही पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं बाबा कहते हैं ये लक्ष्य सोफ है क्या पति दुनिया को पावन बनाने का लक्ष्य है जिससे पवित्र बनते हैं बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो बस मुख्य बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझना है तुम आत्माएं कानों से सुनती हो सत्य क्रीता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए है तो बाबा ने ये रहस्य बता दिया कि आधा में हमें जो भी मिलता है स्थूल में वो अभी की जो कमाई होती है उसका रिटर्न पारलौकिक बाप हमें वहां देते हैं लौकिक बाप नहीं देते हैं फिर द्वापर युग के बाद हम लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो भी हर एक जन्म के लिए अलग अलग बाप और अलग अलग वर्षा कहते हैं भिन्न नाम रूप देश काल से याद भल उस पारलौकिक बाप को करते हैं आत्मा याद करती है कहती है ये मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है तो दो बाप को है ना अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है प्रजापिता ब्रह्मा तो अभी संगम युग में हमारे तीन बाप है तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो एक लौकिक बाप दूसरा पार पारलौकिक निराकारी बाप जो आत्मा का बाप है लौकिक बाप ये साकार शरीर का बाप है और तीसरा है ये अलौकिक बाप प्रजापिता गाया हुआ है परंतु मनुष्य जानते नहीं है ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता है समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म अवतनवासी है भक्ति में तो ऐसा समझते थे तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है अब तुम पाप पर लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हो तुम जीते सभी वान प्रस्थी हो वाणी से परे जाना है ये शरीर छोड़ जाना है जरूर मौत सबका होना है मनुष्य वान प्रस्थ लेते हैं साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं परंतु वो जानते नहीं कि ये शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे ये जरूर तुम जानते हो कहते भक्ति मार्ग में अभी तक वान प्रस्थल आए लेकिन बिना समझे ये जरूर तुम अभी जानते हो अभी हमको आतुर्वे मान, मान जल्दी है हम उतावली है होती है कि ये पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाबा की याद में रहने से पावन मन बाबा के पास जाएंगे बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा लेंगे तो लौकिक बाप भी है ब्रह्मा बाप भी है तो शिव बाबा भी है तीनों बाप है ना बराबर इसमें अंध श्रद्धा की बात नहीं बाबा ने बताया कि अभी संगम में हम ब्राह्मणों का तीन बाप है ब्रह्मा यहाँ कल भी बाबा ने बताया न ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रैक्टिकल में इस दुनिया में पार्ट है तो ब्रह्मा का पार्ट अभी संगम में है उनके द्वारा बाबा हम ब्राह्मणों की रचना रखते हैं हमको नया जन्म देते हैं ज्ञान से तो ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता हो गया शिव बाबा हमारा आत्माओं का पारलौकिक पिता और शरीर को जन्म देने वाला हमारा लौकिक पिता तो बाबा कहते हैं की बात नहीं है, हकीकत है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मरी विष्टा के कीड़े को ले आती है आकर भू भू करती है फिर उन कीड़ों में से जो उनकी जात वाले होते हैं ना वो आप समान बन जाते हैं और बाकी जो और जात वाले होते हैं वो सड़ जाते हैं बाबा उनका ब्रह्मरी का एग्जाम्पल देके बाबा क्या कहना चाहते हैं बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छे रीति समझ में आएगा बाकी की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं तो वो है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया हमको बाबा ने भ्रमरी के साथ कंपेयर किया तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भू करना करना है ना बाबा पूछते हैं ये तुम्हारा पारलौकिक बाप है बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारिया है बेहद के बाप से वर्षा अभी ले रहे हैं तो हमें सेवा भी करनी है दूसरों को एक ज्ञान भू भू कर आप समान बनाना भी है बाबा कहते है जो देवी देवता कुटुंब की आत्मा होगी ने तो वो ज्ञान जरूर उठाएगी और बाकी जो नहीं होगी तो ब्रह्मि के कीड़े की तरह सड़ जाएगी माना फिर से वो सुद्र बन जाएगी संसार में चली जाएगी वो बाबा का नहीं बनेंगे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेंगी बाबा से वर्षा भी नहीं लेते हैं तो बाप कहते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारिया है बेहद के बाप से वर्षा भी ले रहे हैं तुम भी लो बाबा के सबको बोलो कि तुम भी आओ तुम भी ये वर्षा लो अभी जाना है निर्वाण धाम में जहां से आकर पाठ बजाया है ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है अभी तुम अमर लोग जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है एक ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा विनाश तो बाप कहते हैं बच्चे अब ये सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है परिस्तान की स्थापना अभी हो रही है जिसको स्वर्ग कहते हैं तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो बाबा हम आते हैं आधा से तुम बाप का आह्वान करते आए हो कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं बाबा कहते है ड्रामा की भावी ड्रामा में लिखा था धक्के खाने का लेकिन बाबा अभी सामने से हमको आके मिलते हैं बाबा कहते अब फिर मैं तुमको इक्कीस जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है दूसरे फिर है सौतेले जो पवित्र नहीं बनते हैं तो बाबा ने मातेले बच्चे और सौतेले बच्चे किसको कहा जो बाबा का बनते हैं, जो पवित्र बनते हैं और जो पूरा वर्षा लेते हैं वो मातेले है और जो पवित्र नहीं बनते बाबा से पूरा वर्षा नहीं लेते वो है जो तो पवित्र नहीं बनते है सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं जो जीते जी मरते हैं, वे हुए सगे बाकी है लगे ना? तो सगे और लगे मातेले और सतेले बाबा ने आज क्लैरिफाई किया यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है सीता बाबा तो दाता है तुम ऐसे मत समझो कि हम सीता बाबा को देते हैं कोई हाँ बाबा को तो सहयोग देते हैं तो मन में संकल्प आते हैं कि हम भगवान बाबा को इतना दिया बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को नहीं देते हो बाबा कहते नहीं हम उनसे स्वर की ही का वर्षा लेते हैं शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है हम जो भी सहयोग देते हैं उसके लिए हमारे के लिए ही वहा सुविधाएं होती है ना हम मुदबन में जाते हैं तो वहां हमको रहने को चाहिए खाने पीने को चाहिए बाबा का ज्ञान सुनने के लिए हॉल भी चाहिए तो बाबा कहते हैं वो सब सेवा में लगता है बाबा तो निराकार है उसको मकान आदि की जरूरत नहीं है वह तुम तो बच्चों के ही काम में लगाते है इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया बाबा कहते के ब्रह्मा बाबा ने तो हम तो अभी बुद्धि से बाबा को देते हैं और थोड़ा बहुत कुछ हम फिजिकली देते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा दी था तो वो काम में लगाए उसमें से तो ये यज्ञ शुरू हुआ बाबा कहते जिससे माताएं अबलाये अपना जीवन सफल बना रही है क्योंकि बहुत सारी माताएं अबलाय ऐसे थी कुछ भी नहीं लाई थी उसको भी बाबा ने चौदह साल यज्ञ में सस्टेन किया ना उसका जीवन सफल बनाया तुम भविष्य इक्कीस जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है देखो बाबा ने आज इशारा दे दिया कि अभी लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वो यहाँ की कमाई से एक कहानी भी है ना बाबा फिर कहानी एक बताते हैं कि बाप ने पूछा तुम किसका हक खाती हो तो बोली कि अपना तो यहाँ भी हर एक अपना कर अपना हक लेते हैं कहा अभी संगम युग पे बाप से हक लेते हैं से समर्पित होके पुरुषार्थ करके हम अभी अपना इक्कीस जन्म के लिए हक ले रहे हैं तो सबकी आत्मा हकदार है बाबा कहते इक्कीस जन्मों के लिए वर्षा पाने के लिए सब हकदार है अज्ञान काल में बाप से बच्चों को वर्षा नहीं मिलता है सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है यहाँ दुनिया में क्या है कि सिर्फ लड़के को ही वर्षा मिलता था लौकिक बाप का लड़की को नहीं मिलता था 2005 पहले की बात है इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है बाबा के यज्ञ में जो आते हैं वो मेल हुआ पुरुष हो बच्चा हो या बूढ़ा हो बाबा कहते सब वर्षे के अधिकारी है सबको मिलता है मेल हो या फीमेल गाय भी जाता है कुमारी वो जो इक्कीस कुल का उद्धार करे ब्रह्मा कुमार कुमार या तुम, हो। तुम हो तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ कराते हैं और वो भी श्रीमत पर हर एक को समझाओ अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है इतनी कमाई जबरदस्त है बाबा देखो सेवा कैसे करना है लोगों को कैसे समझाना है वो भी बाबा हमें समझा नहीं देते हैं बाबा कहते कितनी कमाई है कितनी अच्छी बातें समझने की है दिल भी होती है पुरस्कार करे परंतु माया फिर तूफान में ला देती है बाबा कहते संशय बुद्धि बना देती है ना बाबा हमारे कहते हैं कि माया निश्चय को तोड़ देती है इसलिए कंफ्यूज हो जाते है न करे के नहीं करे भगवान का बने के नहीं बने द्विधा में पड़ जाते हैं माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं ना आत्मा की जो जगी होती होती है बाबा कहते फिर तूफान लगने से हाँ, संकल्प में आने से हिलने लगते हैं बुझ जाना माना हाँ मन हिलने लगता है बात बिल्कुल सहज है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ये है बुद्धि की बात हमको बाप को याद करना है शरीर का बांध छोड़ देना है तुम गुरु लोगों को याद करते हो बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते है ना भक्ति मार्ग में ऐसा करते हैं उसका लॉकेट बना के फिर बाबा कहते हैं गले में डाल दो तो ऐसे बहुत है पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते है। हैं बाबा कहते हैं माताएं बहने ऐसी होती है कि अभी तक पति का गले में डाला होगा ना लॉकेट वो निकाल के फिर गुरु का डाल देते हैं बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई चित्र डालने की बात ही नहीं इसलिए ब्रह्मा बाबा का चित्र भी पहले यज्ञ में नहीं रखते थे ब्रह्मा बाबा जाने के बाद ये प्रकाशमयी दादी ने ये ब्रह्मा बाबा का चित्र बाबा की परमिशन लेके रखना शुरू करवाया था बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करना है छोटे बड़े सबकी अभी वाण अवस्था है अब स्वीट होम जाना है जरूर देखो बाबा आज बार बार याद दिला रहे कि हमारा स्वीट होम वो वाणी से परिस्थान है इसलिए बाबा अभी से हमें वाणी से परे जाने की अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबा कहते तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की और याद में रहे तो विकर्म विनाश हो कोई को भी दुख नहीं देना है सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना कहते ये है ही कंसपुरी कहा जाता है ना कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती है और यहाँ तो काम कटारी चलती है इसलिए बाबा कहते हैं इनको कंसपुरी कहा जाता है कृष्ण की जो दुनिया होगी उसमें बाबा कहते हैं वो पांच विकार का नाम निशान नहीं है क्योंकि वहां आत्मा आत्माभन में रहती है देह का कोई भान ही नहीं है बाकी कोई असुरों व देवताओं की पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी नहीं है लड़ाई है यवनों और कौरवों की शास्त्रों में जो बाबा कहते हैं लिखा है ना असुरों देवताओं के बीच में लड़ाई हुई है और सब धर्म में बताते हैं तो बाबा कहते हैं कि न पांडवों और कौरवों की लड़ाई हुई है न असुर और देवता की हुई है लड़ाई है एक्चुअली यवनों वो यवनों यव यवनों और कौरों की बाबा उसको कभी यूरोपवासी जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड वाले है ना उसको बाबा कभी कहते हैं कि यवन और कौरव की ये लड़ाई है, है जिसने भगवान को जाना ही नहीं और कौरव माना जिसने भगवान को जाना है पहचाना है लेकिन वो मानते नहीं है उनके अनुसार चलते नहीं है तो दुर्योधन उसका एग्जाम्पल है तो बाबा के लड़ाई उनके बीच में है बच्चों ने साक्षात्कार किया है बाबा ने शुरू में साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को कितने करवाए थे मक्खन हमको मिलना है बाबा ने साक्षात्कार करवाया ना पुरानी का विनाश हो रहा है इतना भयंकर बाबा ने दिखाया फिर नई दुनिया बताई और तुमको बनानी है बाबा कहते हैं ये सब साक्षात्कार करवाया था तो बाबा के दो बिल्ले अभी अंत में लड़ेंगे और मक्खन हमको मिलना है मक्खन माना विश्व की बादशाही हमको मिलनी है हम आकर राज्य भाग्य करने वाले है कोई तो भगवान ने कह दिया है माना वरदान है हमको वरदान मिल गया है बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान बनाते क्यों बनाते हैं है ना क्योंकि बच्चे पूछते हैं उस टाइम में ब्रह्मा बाबा को पूछते थे कि बाबा इतना मकान क्यों बना रहे हैं बाबा कहते अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं तब पूरा होता है ना सबको इकट्ठे नहीं बुलाते हैं जोन वाइज सबको बुलाते हैं पूरे साल के बाबा की जो आने की ना? मिलन की जो सीजन होती है उसका प्लानिंग करना पड़ता है कि इतने सारे भारत में सपोज के इतने सारे राज्य हैं तो उनका भी एक जोन बनाते हैं विदेश में आने वालों का भी बाबा एक ग्रुप बनाते हैं फिर बुलाते हैं वहां तो टर्न बाय टर्न आते हैं सबको साथ में बुलाएंगे तो कहाँ रखेंगे तो बाबा कहते हैं तब पूरा होता है अरे इस्लाम लेने के इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे बाबा के अंत में ऐसा होगा है कि सब बच्चे भाग के आए आएंगे तो बाप के घर में अब्बा के घर में ही इस्लाम लेना पड़ेगा उसको कहाँ रखेंगे दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बचड़े वाला हूँ शिव बाबा को भी अभी साकार में इतने बचड़े बनते हैं तो ब्रह्मा बाबा की भी कितनी भुजाएं कितनी बाबा की रचना है कितने बच्चे है, तो ये कोटों से कोई जानते है बाबा के देखते हैं कोई सबको कोई बात पता नहीं है तुम्हारे में भी नंबर वार है समझते भी है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं गीता में भी इसी का ही यादगार है बाबा कहते हैं ना कोटो में कोई और कोई में भी कोई मैं जब आता हूं तो मुझे पहचानते हैं और पहचानने के बाद भी बाबा कहते हैं कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं क्योंकि माया उनको मुरझा देती है बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं बाप कहते हैं ये लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत का है पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूं अब माँ में कभी याद करो मैं गाइड बनाया हूँ गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है मनुष्य मनुष्य को कह तो न सके क्या लिबरेटर मनुष्य मनुष्य को नहीं कह सकता है सारी दुनिया को वो लिबरेट करते हैं इस समय सारी विश्व बाबा कहते हैं लंका है शोक वाटिका में है बल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में है परंतु वो सब मिट्टी में मिल जाएगा खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है बॉम्ब्स बनवा रहे हैं है। कितना भारी खर्चा हो रहा है कलयुग पूरा हो तो सत्युग तो जरूर आना चाहिए इसलिए बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि उन लोगों की जानते हुए भी वो बना रहे है खर्चा कर रहे है अब फिर से स्थापना होती है बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं तुम हो राज ऋषि वो है हठयोग ऋषि बाबा कहते दुनिया वाले जानते हैं नहीं है इसलिए शरीर को कष्ट देते हैं वह हठक करते हैं और हमारा है राजयोग राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके लेकिन बाबा कहते ये कहा लिखा हुआ थोड़ी ही है कि राजयोगी ब्राह्मण के शास्त्रों में नहीं लिखा है इसलिए किसी को पता नहीं है कृष्ण हो तो वो ब्राह्मण कैसे रचेंगे ब्रह्मा हो तब तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है बाबा कितना बड़ा सेठ है कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है बाबा सबसे बड़ा सेठ है सर्वोच्च है सर्वश्रेष्ठ है सर्वमान्य है और सब बातों में सागर इतना बड़ा सेठ है वो आके इतना बड़ा यज्ञ रचते है और यज्ञ के ब्राह्मणों को वो इतनी प्राइज देते हैं बाबा तो सबसे बेस्ट प्राइज है ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं हाँ तो ब्राह्मण से देवता बनना ये कम प्राइस थोड़ी है बाबा कहते चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो तो गया दक्षिणा मिलती है, तो है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पत लेंगे तो बाबा जट बता सकते हैं कि तुम क्या बनने वाले हो बाबा कहते अभी तो समय ही थोड़ा है देखो ये तो की मुरली है और अभी तो एक्चुअल में समय ही थोड़ा है शरीर छूट जाए फिर आप यज्ञ थोड़े ही सॉरी आप ज्ञान थोड़े ही ले सकेंगे हाँ फिर छोटा बच्चा बनेंगे ऑर्गन कब बड़े होंगे कब सुनेंगे ज्ञान समझेंगे वो समय तो रहा नहीं है इसलिए बाबा कहते हैं कि छोटा बच्चा क्या समझेगा बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो सतयुग आना है तो सबको अभी समझ में आ गया होगा कि अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आना है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते तो शुक्रिया बाबा इतनी अच्छी शिक्षा के लिए तो आज की मूल्य से हम सारा दिन बुद्धि में धारण करेंगे उसके लिए रूप में कुछ बताए है। पहली पॉइंट है।, है, है हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है अशरीरी बनने का अभ्यास करना है बाबा ने कह दिया है कि अभी ड्रामा पूरा होता है अभी घर जाना है स्वीट होम है जहाँ इस शरीर के साथ हम नहीं जा सकते हैं ना शरीर यहाँ छोड़ के जाना है इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है इसलिए यहाँ कल भी बाबा ने कहा ना मुख में उलरा लगा दो हमें वाणी से भी परे रहना है तो संकल्पों से भी परे रहना है उसी को ही वान प्रस्थ अवस्था कहते हैं दूसरी पॉइंट है इक्कीस जनों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है ना बड़ा सेठ आया है अभी हमें अपना हक दिला रहा है वो भी इक्कीस जन्म के लिए आधा कल्प के लिए लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने के लिए पवित्र रहेंगे आत्मा पवित्र बनेगी तो सब प्राप्ति होगी तो सदा श्रीमत पर चलना है उसके लिए हमें श्रीमत पर चलना है और जीते जी मरना है तो जीते जी मरना माना बाबा ने सब कुछ बता दिया बाबा का बनना सगा बनना हाँ, फिर बाबा ने कहा सत मातेले बनना पवित्र बनना जीते जी मरना हाँ, तो सब बाबा ने जीते जी मरना डिटेल में समझा दिया है ये करेंगे तो के जन्म लिए हमारा हक मिलेगा फिर वरदान है आज उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त बाबा, बाबा कहते जो उड़ती कला में रहेंगे ना वो ही आगे बढ़ेंगे और वही सब बंधनों से मुक्त बनेंगे कल भी बाबा ने ऐसा ही वरदान दिया था तो उसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन भी दिया है बाबा ने के बाप का बनना अर्थात तो उड़ती कला के वरदानी बनना तो पहला बाबा ने बताया उड़ती कला मना बाबा का बनना दूसरा इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे बाबा का वरदान मिलेगा उड़ती कला में रहने का तो बाबा कहते वो वरदान जो जीवन में धारण करेंगे तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे आगे ही बढ़ते रहेंगे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे है बाबा अभी प्रैक्टिकली हमारे साथ है कंबाइन है हमारा साथी है इसलिए बाबा कहते हर कदम में हम आगे हैं स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं क्योंकि उनकी हमें मदद मिलती है अभी वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं है तो ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते बाबा कहते कोई विघ्न कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता ना माया उसे किसी बंधन में डाल सकती है वो सर्व बंधन से मुक्त हो जाते हैं स्लोगन है जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाबा अभी हमें वरदान में सब शक्तियां देकर के मास्टर सर्वशक्तिवान बना देते हैं लेकिन जो बच्चे वो वरदान को धारण करते हैं ना सर्वशक्तियों का स्टॉक अभी जमा करते हैं तो भविष्य में प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती है प्रकृति भी सेवा करेगी मीन्स प्रकृति का जो शरीर मिलेगा वो भी सेवा करेगा और जो नेचर है फाइव एलिमेंट से वो भी दासी बंद करके हमारी सेवा करेंगे ओम शांति तो दो मिनट बाबा को याद करके मुरली हम खत्म करते हैं